सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्प्लैश स्टोर को और बेल आइकन प्रेस करिए लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरोग्य सेतु ऐप के बारे में, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है और ये आपको कोरोना वायरस से लड़ने में बहुत वेज में हेल्प करने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, हमारे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स ऐप अभी क्योंकि नया लॉन्च हुआ है तो ये आपको सर्च रिजल्ट्स में शायद ना दिखाई दे, तो आप यहाँ पे इसका लोगो देख लीजिए। मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऐप की लिंक दे दी है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली इसके लॉन्च पे जा सकते हैं और आप वहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप अभी इसका लोगो देख लीजिए और उसके नीचे आप देख रहे हैं NICEGOV मोबाइल ऐप लिखा हुआ है और इसके बारे में अबाउट अस यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है और इसके बारे में पूरी डिटेल दी हुई है, तो मैंने आपको लिंक दे दिया, आप वहाँ पे क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम इस ऐप को डाउनलोड करके आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब ऐप इंस्टॉल हो चुकी है और सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं आरोग्य सेतु ऐप जो है उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं लगभग 11 लैंग्वेजेस दी हुई हैं इसमें, आप कोई भी लैंग्वेज इसमें चूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इंग्लिश को चूज़ करके इस पर आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट पर मैं क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं स्लाइड्स में ये आपको ऐप के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो सबसे पहली स्लाइड में ये बताया जा रहा है कि अगर आपके आसपास कोई भी कोरोना पेशेंट आपके आसपास है या निकलता है तो ये आपको ऐप जो है उस बारे में इन्फॉर्म कर देगा। तो ये इन्फॉर्म कैसे करता है, सिंपली आप ये जो गवर्नमेंट का जो डेटाबेस है जहाँ पे सारे लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो ये आपको उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करके बताएगा कि आसपास आपके कोई कोरोना पेशेंट है कि नहीं है, या आपको कौन सी स्टेज पर वो क्वारंटीन है या आइसोलेशन है, इन्फेक्टेड है, ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी है कि ये किसी भी पेशेंट की आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको ऐप को इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको ब्लूटूथ और लोकेशन जो है वो एक्सेस करने के लिए ऐप बोलेगा, तो सिंपली आपको इसको अलाउ करना है क्योंकि उसी से आपकी लोकेशन को ही ट्रेस करके ये सारी चीज़ें परफॉर्म करने वाला है आगे। फिर आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपसे आपसे परमिशंस मांग रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आप आई एग्री पर क्लिक कर देंगे तो और यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशंस आपको परमिशंस जो है वो देनी है। फिर इसके बाद आपको यहां पे रजिस्टर करना है मोबाइल नंबर से, तो मैं रजिस्टर करने के बाद आपको बताता हूं कि आपको किस पेज पे ले जाने वाला है। फ्रेंड्स जैसे ही आप ऐप पे रजिस्टर करेंगे तो ये आपको इस पेज पे ले आएगा। फिर यहां पे आप सबसे ऊपर देख रहे हैं यू आर सेफ, ये मेरी लोकेशन को ट्रेस करके बता रहा है आसपास की पूरी लोकेशन को कि आप यहाँ पे अभी सेफ हैं, तो पूरा सेक्शन जो आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपको COVID-19 हेल्थ सेंटर्स के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे हर अलग अलग स्टेट का हेल्प लैंडलाइन नंबर है या जो भी हेल्पलाइन नंबर है वो दिया हुआ है। यहाँ पे आप कॉल करके आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। फिर इसके बाद आपको देख रहा है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आपको यहाँ पे देना है, जिसमें आपको सारी चीज़ें एकदम करेक्ट बतानी है। तो यहाँ पे ये आपसे जेंडर पूछ रहा है, मैं मेल पे क्लिक करता हूँ। फिर एज पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पे आप एज की इन्फॉर्मेशन दे देंगे अपने। फिर आपसे पूछ रहा है कि आपको कोई ऐसा कोल्ड कफ या कोई ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी तो नहीं है, तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर देंगे, इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स जैसे ही आप पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है आपकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कि योर इन्फेक्शन रिस्क इज़ लो, मतलब कि मेरा इन्फेक्शन रिस्क जो है वो लो है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट भरनी, कोई भी चीज़ गलत नहीं भरनी है, नहीं तो ये ऐप आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। फिर आप यहाँ पर बैक जाते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फिर आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करने का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप सारी अपनी पर्सनल डिटेल फिल कर दीजिए और यहाँ पे आप फिर इसको सबमिट कर दीजिएगा। लास्ट में आपसे एक ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको अगर वॉलंटियर बनना है तो आप यहाँ पे उस पर चेक करके और सबमिट कर सकते हैं, तो ये आपको बाद में इन्फॉर्म कर देंगे अगर आपको इसमें वॉलंटियरिंग करनी है तो। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर लर्न मोर अबाउट कोविड, आपको अगर इस इन्फेक्शन या जो कोरोना वायरस उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना है तो यहाँ पर आपको एक स्लाइड के थ्रू आपको सारी चीज़ें बताएगा, तो यहाँ पे आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर यहाँ पे आप बैक जाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोरोना वायरस के डूज़ एंड डोंट्स भी आपको दिखा रहा है। यहाँ पे आप डूज़ एंड डोंट्स देख सकते हैं कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, वो भी आपको स्लाइड के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी ट्वीट्स आपको दिखा रहे हैं, जो भी अपडेट्स आती रहती तो यहाँ पे ट्विटर के थ्रू आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं। फिर लास्ट में आपको शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसको शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों तक, अपने फ्रेंड्स तक, ताकि ये जो ऐप है वो ज़्यादा लोग इंस्टॉल करें और ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो फ्रेंड्स ये था पूरा आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। ये ऐप जो है वो टोटल आपकी इन्फॉर्मेशन जो आप फिल करते हैं उस पर भेज रहे हैं, आप इस इन्फॉर्मेशन को एकदम करेक्टली फिल करिएगा। घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें, जितने बार आप बाहर जाते हैं उतने बार आप उसको सैनिटाइज करें और सारे जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो लें। आप इस ऐप से भी वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
ऐप में नीचे इस ऐप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से इसका लिंक जो है वो क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।